तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ पास करने के बाद जब एक स्टूडेंट नीट का तैयारी करता है तो उसका जो बेस रहता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है और हिंदी और इंग्लिश सपोर्ट पे रहता है। मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही रहता है, इसी के बेस पे नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, आफ्टर एडमिशन और बिफोर एग्जामिनेशन। ऐसा जो अपन टाइटल है क्यों ऐसा रखे हैं, तो चलिए आपको इस वीडियो में अपन आपको बताते हैं। होता क्या है, जब आप ट्वेल्थ पास करने के बाद, चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, 11th और 12th जो है आप जब क्लियर कर लेते हैं अच्छे परसेंटेज से, तो आपका भी सपना होता है कि आप डॉक्टर बने। अब वो फील्ड कोई सा भी हो सकता है, चाहे MBBS हो, चाहे BDS है, चाहे BAMS है। तो आज अपन लोग जो बात करेंगे वो BAMS डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ट्वेल्थ पास करने के बाद होता ये है कि स्कूल टाइम पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं 11th और 12th में, बट वही चीज़ उस टाइम पे आपका बेस रहता है। तो जब उससे हट के जब आप नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, वहाँ तक भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़ना होता है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस पे ही फिर आपका सिलेक्शन होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, कि स्टेट में मिल रहा है, कि आउट ऑफ स्टेट मिल रहा है। पर मेन प्रॉब्लम कहाँ पे फंस जाता है, स्टूडेंट को जो फेस करना पड़ता है जब एडमिशन होता है, आफ्टर एडमिशन स्टूडेंट को जब वहाँ पे पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, संस्कृत, शरीर क्रिया और शरीर रचना, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, तो पूरा आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है और आपका जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो यही है, और इसमें आपको श्लोकास पढ़ने पड़ते हैं। तो एकदम से एडमिशन लेने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश से सीधे से आपको एकदम से मतलब पूरा चेंज हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिर उसका उतना रोल नहीं रहता है, रोल ख़त्म ही हो जाता है। फिर आप आ जाते हैं एकदम श्लोक पे, वात, पित्त, कफ पे, उसी के ऊपर ये जो पूरा BAMS का जो कोर्स है वो पूरा मतलब बेस रहता है। वात, पित्त और कफ तीन दोष होते हैं बॉडी में, उन्हीं को बैलेंस करके आपको डिजीज़ को ठीक करना होता है। तो एडमिशन होने के बाद मतलब एक स्टूडेंट जो ये सोच के आ रहते हैं कि BAMS में मतलब इंग्लिश होगा या हिंदी होगा या फिर संस्कृत से करना पड़ेगा, तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। बट ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर इंग्लिश चल ही जाता है, इंग्लिश तो चलता ही है। आपका संस्कृत भी कंपलसरी है क्योंकि उसमें आपको श्लोकास आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप डिफाइन कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को तो वहाँ पे आपको एक श्लोक तो आपको कंपलसरी लिखना ही होता है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। एडमिशन के बाद प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि एकदम से सडनली पदार्थ विज्ञान में आत्मा पढ़ेंगे आप, काल पढ़ेंगे, दिशा पढ़ेंगे, और यही सभी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा पदार्थ विज्ञान में। संस्कृत में संधि समास ये सब, और आपका अष्टांग हृदय में डेली लाइफ जो से रिलेटेड जो होती हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ही, साथ में शरीर क्रिया और शरीर रचना भी पढ़ना है आपको, संस्कृत पार्ट भी पढ़ना है और मॉडर्न पार्ट भी पढ़ना है। तो जब आप ट्वेल्थ पास करते हैं तो उसके बाद सडनली से एकदम अगर आप जब BAMS में एडमिशन लेते हैं तो आपको एकदम से मतलब शुरू शुरू में जब आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, या तो एक बहुत अच्छे आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तभी आपको समझ में आ सकता है, बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एडमिशन होने के बाद। क्योंकि जब हमारा खुद का एडमिशन हुआ था कॉलेज में तब अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, 6 मंथ to 1 year तक थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, और जो सब्जेक्ट्स थे वो मतलब पढ़ने में तो ईजी लग रहा था, समझ में भी आ रहा था, बट होता ये है कि जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो आपके ट्वेल्थ का जो बेस रहता है उससे बिल्कुल हटके है, एकदम हटके है। उसमें बायोकेमिस्ट्री आप नहीं पढ़ेंगे, उसमें वात, पित्त, कफ आपको पढ़ना है, और प्योर आयुर्वेदा रहेगा उसमें, आपको संस्कृत से ही आपको पूरा मतलब कवर करना है और बाकी इंग्लिश रहेगी अगर आप साउथ इंडिया से पढ़ रहे हैं, बैंगलोर से। तो ये सब प्रॉब्लम है आफ्टर एडमिशन। और बिफ़ोर एग्जामिनेशन क्यों बोले अपन, वो इसलिए क्योंकि होता है ये एडमिशन तो आप ले लेते हैं
चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिला हो या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज का सीट मिला क्वालिफाई करने के बाद। तो बिफोर एग्जामिनेशन क्या होता है, एक अलग तरीके का फोबिया दिमाग में चलता है, डिप्रेशन होता। यह है कि एक तो एकदम से सडनली पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है, वो जो बेस था वो पूरा हट जाता है, अब यहाँ से आपको नया शुरुआत करना रहता है। और फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर स्टूडेंट, 50 जो स्टूडेंट होते हैं उनका बैच रहता है, एक बैच जो होता है, मतलब 30-35 जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मोस्टली स्टूडेंट डिप्रेशन में ही चले जाते हैं वो सब्जेक्ट्स देखने के बाद। किसी को स्लोकास नहीं बन रहे हैं, किसी को इंग्लिश ढंग से नहीं बन रहा है, किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सभी प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। ये सब प्रॉब्लम आपको फर्स्ट ईयर में होता है, तो ये धीरे धीरे करके ही आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बस आपको कोशिश करते रहना है, लेक्चरर के साथ थोड़ा सा पूछना है उनसे, और आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, और जो अलग अलग राइटर्स के बुक हैं वो आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, बहुत सारे राइटर की बुक आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है, सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ इस राइटर की बुक ठीक लग रही पढ़ने में, इसको अपन पढ़ सकते हैं, ये समझ में आ रहा है, और एक और राइटर अगर आपको सही लग रहा है तो समझने के लिए, एकदम से नहीं कि 7-8 राइटर की बुक आप रख ली अपने सामने, वैसे में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब हर राइटर थोड़ा थोड़ा सा फिर डिफरेंस रहता है राइटर के लिखने में, सोचने के तरीका में, तो वही चीज़ है, जो आपको ईजी लगता है आप उस चीज़ को सेलेक्ट कीजिए, और उसको आप कैसे कवर कर सकते हैं सिलेबस को, सिलेबस का आप पूरा कॉपी रख लीजिए, और जो 5 साल का पुराना जो ओल्ड पेपर होता है वो रख लीजिए, वो उसको पूरा ध्यान से देखिए। क्योंकि एडमिशन होने के बाद और एग्ज़ाम के पहले तो फोबिया एकदम से छा हो जाता है। और मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट तो एडमिशन लिए और उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, और वो छोड़ के चले जाते हैं, डिग्री छोड़ के चले जाते हैं, वो नहीं करते हैं। मतलब 5-7 स्टूडेंट हर बैच में ऐसे रहते हैं जो आउट ऑफ स्टेट से आए रहते हैं, पर्टिकुलर अपने स्टेट के नहीं रहते हैं, वो छोड़ देते हैं, और उनका जो फीस वो पे किए रहते हैं फर्स्ट ईयर में, जो भी 2-3 लाख, वो पूरा बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो जो डिप्रेशन रहता है ना उसको आपको मेंटेन करना रहता है, वो जो समय रहता है ना उस समय को आपको मेंटेन करना है। क्योंकि देखिए, एडमिशन लेने के बाद एकदम से आपको जीरो से शुरुआत करना है, वो जो बेस था वो अलग था, वो जो आप पढ़ रहे थे वो अलग था, अब यहाँ से आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद अब अलग है, आपको संस्कृत भी आनी चाहिए ठीक से, और आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, तब आप धीरे धीरे करके, अब नहीं भी आता है तो फिर आपको कोशिश करना है, बुक पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो राइटर की बुक अच्छी लग रही है उस राइटर को देखना है, ये भी नहीं कि मतलब बहुत सारी बुक को एक साथ पढ़ना है, एक ही राइटर की बुक पढ़िए, उसी से शॉर्ट नोट्स बनाना है, ऐसे करके ही आप फर्स्ट ईयर को कवर कर सकते हैं। क्योंकि अपन भी वैसे ही किए थे, थोड़ा सा समय लगा था, 6 मंथ लगा था, पर समझ में फिर धीरे धीरे करके आने लग गया था। एग्ज़ाम के पहले जो डर था वो उसका लेवल ही अलग रहता है, ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हुआ नहीं है, पहले ही फेल हो जाएंगे। तो यही सब बात है जो आपको ध्यान रखना है, ये जो फोबिया है ना, क्रिएट मत होने देना खुद में, ना क्रिएट मत होने देना, आप अपने अंदर से आप खुद को मोटिवेट रखना है। आपको एग्ज़ाम होगा ठीक है, बट मेन चीज़ यही है कि आपको जो पूरा आपका ये जो फर्स्ट ईयर जो होता है, पूरा साल आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट का जो 1-2 महीना रहता है वहाँ पे पढ़ते हैं, और वैसे में ही वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो वैसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास पूरा जो फर्स्ट ईयर रहता है 1 साल का जो पूरा है, तो उसमें आपको शुरू से ही धीरे धीरे करके सिलेबस को कवर करना है, और पूरा सिलेबस 6 महीने में जब आप कवर कर लें, बाकी का जो 6 महीना बच जाता है एग्ज़ाम के पहले का, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास सभी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स रहने चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम के 15 दिन पहले सारे जो बुक होते हैं उनको तो आप एक बार पढ़ ही लो, जनरल जैसे पढ़ते हैं पढ़ते चले जाओ, और उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स हैं एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले आपको शॉर्ट नोट्स से पढ़ना है, और बुक से बस एक बार आपको देख लेना है कि हाँ यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये है। तो ऐसे करके ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के बाद होता ये है कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं, मोस्टली बच्चे लोग या तो छोड़ देते हैं, या तो उनको बैक लग जाता है, और बैक लग जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ वाले उनसे 6 मंथ आगे चलने लगते हैं, आप 6 महीने पीछे हो जाते हो, और दूसरे बार फिर से अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो 6 महीने और पीछे। तो ऐसे करके आपका जो कोर्स है 5.5 साल का जो कोर्स है, वो 6.5 साल, 7.5 साल, 8 साल, 9 साल, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका 12 साल हो जाता है। इसलिए आपको ये सभी बातों का ध्यान रखना, जो बहुत ज़रूरी बात है।
तो आज के वीडियो को बनाने का मेन जो टारगेट था यही था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अभी एडमिशन लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, जिनको सीट अलॉट हो गया है, तो उनको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो बेस अलग है, ये चीज़ अलग है, यहाँ पे आपको जीरो से शुरुआत करना है। और जितना भी अपन अभी बताए हैं उन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, एक साथ बहुत सारी राइटर की बुक पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश नहीं करना है, कॉन्फिडेंस में रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, क्योंकि ये मेडिकल है, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इस लाइन को हमेशा आप याद रखना, क्योंकि होता वही है, पढ़ते चले जाओगे जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा। इसलिए एक टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्लियर करो, अगर 5 नंबर के लिए अभी भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा क्लियर होना चाहिए कि हाँ ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन लिखना है, टाइप्स लिखना है, उसमें क्या क्या है, पूरा आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो यही है, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी को थैंक यू।